हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे रूम में एक टेबल है जिसके टू साइड्स पे प्लाई नहीं है और ये ऐसे ही लुक रफ लुक दे रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर कोई पेंटिंग बनाकर लगाई जाए। और इसके वन साइड पे प्लाई है, जो इसके ऊपर है वही इसके वन साइड पे है। और मैंने ये कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट किए, मैंने पिंटरेस्ट से आइडिया लिया था, आप भी ले सकते हैं। और मैंने कंप्यूटर से इसके प्रिंट आउट निकाले हैं, जिसमें से वन मैंने ये एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। सबसे पहले मैंने इसके लिए इसको पोस्टर कलर्स लिए हैं इसको पेंट करने के लिए। और आप अलग अलग डिफरेंट शेड्स के पोस्टर कलर ले सकते हैं। पोस्टर कलर को यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ पानी की ज़रूरत पड़ेगी और ब्रशेस की। और मैंने वन ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया है और इसमें मैंने कलर्स नोट कर लिए हैं, कौन कौन से कलर कौन सी जगह पे डिज़ाइन पे आएंगे। इसके लिए मैंने फ्लैट एंड राउंड ब्रशेस का यूज़ किया है। और मैंने यहाँ पे सनफ्लावर बनाया है। सनफ्लावर की पेटल्स को मैं कलर करने के लिए यहाँ पे येलो पोस्टर कलर का यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा हम ब्रश को गीला करके पानी के साथ और कलर में डिप करके सारी तरफ हम सिंपल इसको ब्लेंड करेंगे और पूरे पेटल्स को हम बाद में इसमें रेड कलर के साथ शेडिंग देंगे। शेडिंग करने के लिए भी यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। और आप साथ साथ में ब्रश को गीला करते रहें। और साथ में अब नेक्स्ट जो कलरिंग करूँगी वो डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू कलर के साथ। इसको हम एक अब्स्ट्रैक्ट लुक देंगे, इसलिए इसको डिफरेंट कलर्स के साथ फिल करेंगे पूरे पोस्टर को। और पूरे पोस्टर में मैंने अलग अलग कलर्स का यूज़ किया। आप देखें कितना ब्यूटीफुल ये एक अब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनेगा। यहाँ पे मैंने येलो एंड रेड कलर को वन साइड पे ब्रश पे येलो कलर एंड सेकेंड साइड पे मैंने रेड कलर लिया है। और दोनों कलर की मिक्सिंग के साथ मैं इसकी पेटल्स को फिल करूँगी। तो ये दोनों कलर्स मिक्स होके हमारे आएंगे और बहुत सुंदर पेटल्स बनेंगी फ्लावर की। ऐसे मैंने पूरे पोस्टर को जहाँ पे डबल कलरिंग करनी थी ब्रश के दोनों साइड्स पे अप्लाई करके मैंने सारे पोस्टर को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक परमानेंट मार्कर लिया है, जिसके साथ हमारी आउटलाइन थोड़ी इजीली हो जाएगी, क्योंकि बिगनर्स के लिए भी थोड़ा इजीली परमानेंट मार्कर को होल्ड करना ईजी होता है। अगर हम ब्रश के साथ आउटलाइन करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बिगनर्स के लिए, इसीलिए आप आउटलाइन करने के लिए ब्लैक परमानेंट मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी
इसकी लीव्स में भी मैंने लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन कलर को ही मिक्स करके ब्रश की दोनों साइड्स पे अप्लाई करके मिक्स एंड मैच कलर बना के किया है, और ये हमारा पोस्टर बन के रेडी हो गया है। और सारी मैंने आउटलाइन भी ब्लैक परमानेंट मार्कर से कंप्लीट कर ली है। तो अभी हम इसको अपने जो टेबल की वन साइड जो हमारी रफ नज़र आ रही थी उसके ऊपर हम इसको लगा देंगे, तो हमारे टेबल की न्यू लुक आ जाएगी और साथ में हमारे आर्ट रूम की एक न्यू लुक आ जाएगी। ये जैसे कि मैंने आपको अपना टेबल दिखाया है, इसकी ये वाली वन साइड के लिए मैंने ये पोस्टर बनाया और इसके ऊपर हम अब डबल साइडेड टेप के साथ इस पोस्टर को लगा देंगे। होप आपको ये एक रफ टेबल को न्यू लुक देने का आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे क्रिएटिविटी के आइडियाज़ लेकर अपने चैनल पे आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।